फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अक्षय यादव के समर्थन में डॉक्टर एस के अरुण, जिला अध्यक्ष चिकित्सा प्रकोष्ठ व अन्य सपा नेताओं पीयूष यादव, खुर्शीद असलम, मुन्ना लाल, जितेंद्र यादव जेवरा, राजीव यादव, पीयूष राठौर, श्रीनिवास प्रजापति, मुकेश जाटव, नवल किशोर जाटव, डॉक्टर राजकुमार यादव, बादशाह दिवाकर आदि सभी ने जनसंपर्क कर वोट मांगे। स्टेशन रोड, नई बस्ती, जिजौली, सदर बाजार, नगला तुरकिया, बिल्टीगढ़ चौराहा आदि जगह पर जनसंपर्क कर सपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। समाजवादी पार्टी से चिकित्सा प्रकोष्ठ से जिला अध्यक्ष हूँ और इसमें चुनावी सरगर्मियाँ बहुत तेज है। हम लोग घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं और जनता हमारा पूरा सहयोग कर रही है। हम वोट मांगने जाते हैं उससे पहले ही जनता कहती कि हमें तो समाजवादी पार्टी को ही जिताना है। भाजपा नारा दे रही है इस तरफ, इस बार 400 पार, क्या कहेंगे इस पर? हाँ, वो कह रहे थे 400 पार, लेकिन इस बार 400 पार नहीं होने जा रहे, उनका बेड़ा गर्क होने जा रहा है बिल्कुल। इस समय गठबंधन के तहत जो समाजवादी पार्टी का जो परसेंटेज है बहुत अच्छा जा रहा है और बहुत अच्छे वोटों से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। आप जनसंपर्क कर रहे हैं, जनसंपर्क में किन किन मुद्दों को लेकर आप वोट मांग रहे हैं? जी, जनसंपर्क में सबसे पहले तो हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि हमें अपने संविधान बचाना है। संविधान ने जो हमें अधिकार दिए हैं, जिन अधिकारों की वजह से हम अपने परिवार को खुशहाल रख सकते हैं, हमारे सारे अधिकार छीन रही है वर्तमान सरकार है। इसलिए अपने संविधान को बचाने के लिए जो हमारे पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जी ने हमें जो संविधान दिया है, उस संविधान को बचाने के लिए हम सब लोग संघर्ष कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी में नियत कर करके सबको पार्टी को जिताने की पूरा प्रयास कर रहे हैं। जनता के लिए क्या कहेंगे आप? जनता से मेरा यही निवेदन है कि सभी लोग साइकिल पर बटन दबाकर अक्षय भैया को जिताएं और समाजवादी पार्टी को बहुत ऊंचे शिखर तक ले जा करके, पार्टी को उन्नत के शिखर पर ले जा करके संविधान को बचाने के लिए पार्टी को जिताना है। यादव, सभासद, समाजवादी पार्टी से, वार्ड नंबर 9, नगर पंचायत मखन। जनता से किन किन मुद्दों को लेकर आप वोट मांग रहे हैं? जनता से इस भाजपा सरकार से बेरोजगारी से त्रस्त है, महंगाई चरम पर है, सारी व्यवस्थाएं फेल हैं, बिजनेस भी नहीं चल रहा है, एक आम सब्जी वाला भी परेशान है और बीच वाला पैसे वाला भी परेशान है, इसमें किसी को राहत नहीं है सरकार में। हम इन्हीं मुद्दों को लेकर उनसे कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि यह सरकार संविधान पर चोट कर रही है, संविधान की धाराएं हैं उनको बदलने की कोशिश कर रही है, जो कानून है उनको बदलने की कोशिश कर रही है। हम संविधान को नहीं बदलने देंगे, संविधान को हमें बचाना है, इसीलिए हम समाजवादी को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वोट कराएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनके पक्ष में वोट कराने की कोशिश करवाएंगे। मैं वोटर हूँ, किसान हूँ, बेरोजगार नौजवान हूँ, रुकता नहीं, झुकता नहीं, बिकता नहीं, मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ। चाले चल के शहरों के नाम बदल के नोटों को कचरा देंगे और हर निर्धन को चल के कहते हो हमको चुन लो, अब तुम भी हमारी सुन लो, धोखा नहीं खाएंगे। सरकार अब ऐसी आए जो सबको दे दे जाए, न्याय हो, उन्नति हो, न्याय हो, प्रगति हो, न्याय, किसान पाए, हर नौजवान पाए, रोजगार लाए, मिटा दे नफरत, न्याय ही प्यार लाए। अन्याय मिटाने के लिए उठा मैं एक तूफान हूँ, मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, अब होगा न्याय।